जय जिनेंद्र। ऑनलाइन जैन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों? बहुत बढ़िया। हमारी ऑनलाइन जैन पाठशाला पढ़ ही रहे हैं और रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है। सेंटर्स हमारे बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बच्चे याद भी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए नैतिक शिक्षा भाग एक का सेकंड चैप्टर चत्तारी मंगल पढ़ाने वाला हूँ। हमारा चैनल जैन पाठशाला जयपुर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। आपको हर एक चैप्टर के तीन सपोर्टिंग सिस्टम हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको ई बुक, एनिमेशन, पीपीटी और साथ में वर्कशीट, ताकि आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकें। आइए अपन बढ़ते हैं चत्तारी मंगल पाठ। हाथ जोड़ लें और नमो कामन पढ़े मेरे साथ। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वायरी आरम, नमो अज्ञायारम, नमो लोए शवशाम। नमो कार मंत्र के बाद नमो कार मंत्र की महिमा, ऐसो पंच और उसके बाद चत्तारी मंगल पाठ अपन मंदिर में डेली करते हैं। मेरे साथ बड़े लोग पेरेंट्स भी बैठे हैं, वो भी साथ में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको अर्थ मालूम होगा तो भाव अच्छे लगेंगे और आनंद आएगा। चत्तारी, चत्तारी माने चार। मंगल लोक में जो चार मंगल हैं कौन कौन से हैं, पहले अपन एक बार पाठ कर लें इसका। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करिएगा। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पर्णतम धम्मो लघुत्तमा, चत्तारी शरणम पवोजामि, अरिहंते शरणम पवोजामि, सिद्धे शरणम पवोजामि, साहू शरणम पवोजामि, केवली पर्णतम धम्मम शरणम पवोजामि। सबको पाठ याद है? जिन छोटे छोटे बच्चों को नहीं याद हो तो पेरेंट्स से निवेदन है उनको याद जरूर करवा दें। और जिनको याद है वो इसका हिंदी अनुवाद जो हमारी बुक में भी दिया है और पूजन की बुक्स में भी मिल जाता है, उसको आप पद को जरूर याद करें, बड़ा अच्छा है। चत्तारी, चत्तारी माने चार। मंगलम, मंगल, मंगल किसको कहते हैं? परिभाषा याद करिए। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों एवं कषायों को नष्ट कर सच्चा सुख उत्पन्न करें उसे मंगल कहते हैं। मलम गालयति इति मंगलम। जो मल बुराई दोषों को नष्ट करे, तो आत्मा के बुराइयां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं? मोह राग द्वेष रूपी पाप कसाय इत्यादि, इनको नष्ट कर सच्चा सुख प्रकट करे उसे क्या कहते हैं? मंगल। लोक में चार मंगल हैं। कितने मंगल हैं? चार। कौन कौन से? साथ में याद करना मेरे। अरहंता मंगलम, अरहंत भगवान मंगल है, सिद्धा मंगलम सिद्ध मंगल है, शाहू मंगलम साधु मंगल है। साधु में तीन, आचार्य उपाध्याय और साधु। केवली पर्णतो धम्मो मंगलम तथा केवली पर्णतो क्या अर्थ है? केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म। केवली पर्णतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म मंगल है। पहले कार्य क्या हुआ फर्स्ट पद का, कि लोक में चार मंगल हैं, अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध मंगल है, साधु मंगल है तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म मंगल है। लोक में चार उत्तम है। उत्तम महान, श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ हो उसे उत्तम कहते हैं। चत्तारी लघुत्तमा, लोक में चार उत्तम है। अरहंता लघुत्तमा, अरहंत उत्तम है।
सिद्धालोकोत्तमा सिद्धोत्तमे साहुलोकोत्तमा साधुत्तमे केवली पणत्तो धम्मो लोकोत्तमा तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया बीतरा धर्म कैसा है? उत्तम है। आई रिपीट अगेन, फिर से बोले, लोक में चार उत्तम है, अरहंत भगवान उत्तम है, सिद्ध उत्तम है, साधु उत्तम है तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया बीतरा धर्म उत्तम है। इसलिए चूंकि ये चारों मंगल हैं और उत्तम हैं, इसलिए मैं इन चारों की शरण में जाता हूं। किस किस की? चत्तारी शरणम पबोजामि, मैं इन चारों की शरण में जाता हूं। पबोजामि का अर्थ है जाता हूं। किसके? अरहंते शरणम पबोजामि, अरहंत भगवान की शरण में जाता हूं। सिद्धे शरणम पबोजामि, सिद्ध की शरण में जाता हूं। साहु शरणम पबोजामि, साधु की शरण में जाता हूं। तथा केवली पन्नतम धम्मम शरणम पबोजामि, केवली भगवान द्वारा बताए गए पिता धर्म की शरण में जाता हूं। तो इतने क्या हो गए? चार। अरहंत भगवान की शरण में जाता हूं, सिद्ध भगवान की शरण में, साधु की शरण में तथा केवली भगवान द्वारा बताए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूं। परन्तु का अर्थ प्रणीत। अब अपन इन चारों के अर्थ अपन ने समझ लिए। अब यहाँ पर लोक में चार मंगल, चार उत्तम और चारों की शरण में जाता हूं। मंगल, उत्तम और शरण। शरण किसको कहते हैं? सहारे को। उत्तम किसको कहते हैं? लोक में जो सबसे महान हो। मंगल किसको कहते हैं? जो मोह राग देश रूपी पाप कसायों को नष्ट कर सच्चा सुख उत्पन्न कर उसे मंगल कहते हैं। याद हो गया होगा। अब केवली पणत्तो का अर्थ मालूम है आपके लिए। केवली भगवान द्वारा बताया गया भीतरा धर्म पबोजामि जाता हूं। अब इस रमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को याद किया गया है। तो पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है? कोई हमारे अन्य धर्मों के जैसे तो है नहीं है कि जैसे पिक्चर में हीरो भगवान को याद करता है, प्रकट हो जाता है और तुरंत काम बन जाता है, है? वो वरदान दे देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो वीतरागी देव हैं और चारों के चारों पांचों परमेष्ठी वीतराग मार्ग पर चलाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण कहलाती है। अर्थात हम भी उनके जैसे बनने के लिए उनके द्वारा, पंच परमेष्ठी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी उनके समान बन जाएंगे। अब मैं आपसे तीन प्रश्न पूछता हूं। मंगल किसे कहते हैं? उत्तम किसे कहते हैं? शरण किसे कहते हैं? सबको याद हो गया होगा, याद हो गया ना? मंगल किसे कहते हैं? जो मोहराग देश रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। उत्तम, लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। शरण, सहारे को कहते हैं। ये तीन प्रश्नों में से एक प्रश्न जो आपको हमारे YouTube चैनल जैन पाठशाला जयपुर के कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखना है कि मंगल किसे कहते हैं। एक प्रश्न कौन सा हुआ? मंगल किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है। हमारा एक क्लास टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें। मैक्सिमम फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोग में इसे जुड़ सके। जय जिनेंद्र।